वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर एक और नई मात्रा जो कि है हमारी आई की मात्रा। कल हमने एएडी की मात्रा पढ़ी थी, आज हम आई एन अक्का में जो मात्रा होती है आई की मात्रा वो पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे। तो ये सब मैंने आपको पिछले जैसा लिखा है, सब आपको क्या करना है, इसमें से ये जो प्लस है इनको हटा देना है और केवल जो अक्षर हैं उनको जोड़कर क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बा है, इसको भी हम ए की मात्रा जैसे अक्षर के ऊपर लगा रहे थे वैसे ही आई की मात्रा भी क्या करेंगे कि जहाँ पर आई की जो मात्रा लगी हुई है उसके आगे जो भी अक्षर है हम उसके ऊपर क्या करेंगे, आई की मात्रा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा बा में आई की मात्रा बई। एक बात का विशेष ध्यान देंगे कि हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, बई। जैसे आपको बा में लगाई है हमने मात्रा तो अंत में आपको क्या सुनाई दे रहा है, आई। ठीक है, ए की मात्रा में हमको ए सुनाई देता था लेकिन आई की मात्रा में हमको क्या सुनाई दे रहा है, आई। तो यहाँ पर क्या है, बई और ये ला, तो क्या हो जाएगा, बैल। दूसरा देखेंगे था, था में आई की मात्रा हो जाएगा थई, ला में आ की मात्रा ला, थई ला। फिर यहाँ पर देखेंगे सा में आई की मात्रा सई, ना में छुट्टी की मात्रा नी और का खाली क, तो ये हो जाएगा सई और ये नी और ये का। हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि नाम जो ये जो छोटी की मात्रा होती है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ई। तो जब ये ना में लग रही है तो हम ना को पढ़ेंगे और उसकी जो साथ में जो मात्रा है छोटी की इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नी और ये का, तो ये हो जाएगा निक। और ये सा में आई की मात्रा होता है सई, तो दोनों को सब जब हम सबको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सई निक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये है शा, शा में आई की मात्रा शई, ता में आ की मात्रा ता और ना, तो हो जाएगा शई और ये तान, जब हम साथ में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शैतान। फिर ग, वा में आई की मात्रा वई, या में आ की मात्रा या, ये क्या हो जाएगा, वा में अपन मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा वई, वा में आई की मात्रा वई, तो ग वई और या क्या हो जाएगा, गवैया, ग वई या, गवैया। फिर ये देखेंगे ना में आई की मात्रा नई, ना में बड़ी की मात्रा नी, ता में आ की मात्रा ता और ये ला, तो ये क्या हो जाएगा, पहले अब ये चार अक्षर वाला हमारे सामने शब्द आ गया है जिसमें तीन मात्राएं भी लगी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे इसको दो भागों में बांट लेंगे। तो ना में आई की मात्रा होता है नई, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो नई नी और ये ता में आ की मात्रा ता और ला, तो ये हो जाएगा ताल, तो नई नी ताल। इस तरीके से आप बड़े जो शब्द होंगे उनको दो या तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। यहाँ और देखेंगे, हमने कुछ और अन्य शब्द यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है पा में आई की मात्रा होता है पई और सा में आ की मात्रा होता है सा, तो यह हो जाएगा पैसा। का में आई की मात्रा कई, सा में ए की मात्रा सी, हो जाएगा कैसे। हा में आई की मात्रा हई, रा में आ की मात्रा रा, ना खाली, तो यह हो जाएगा हैरान। फिर बा में आई की मात्रा बई, ल खाली, यह हो जाएगा बैल और यह हो जाएगा गा में आ की मात्रा गाड़, में बड़ी की मात्रा अड़ी गाढ़ी, तो यह हो जाएगा बैल गाढ़ी। का में आई की मात्रा कई, ला में आ की मात्रा ला, शा खाली, यह हो जाएगा कैलाश, ये कई और ये लाश, तो साथ में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलाश। आप ध्यान देंगे कि ये जो एक मात्रा लगती है इसको हम पढ़ते हैं ए की मात्रा, ये जो दो मात्रा लगेंगी इसको हम पढ़ेंगे आई की मात्रा। और इसमें क्या होता है कि जब जैसे कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये ए की मात्रा लगाया, यहाँ पर लिख दिया सैर। ठीक है, अब ये दोनों देखिए, यदि आप इनको देखते हैं तो इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, इसमें आई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो दोनों का जो उच्चारण होगा वो बिल्कुल अलग अलग आएगा। जैसे सा में ए की मात्रा से, रा खाली हो जाएगा शेर, और सा में आई की मात्रा सई, रा खाली हो जाएगा सैर। आया समझ में। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं मेला, माँ में ए की मात्रा में, ला में आ की मात्रा ला, क्या हो गया, मेला। और जब हम इसमें आई की मात्रा लगा देंगे और ला में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माँ में आई की मात्रा मई, ला में आ की मात्रा ला, मैला। ये एक हो गया मेला, ये हो गया मैला।
तो हम क्या करेंगे, दोनों को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो जो है हमारी जो भाषा हम बोलते हैं वो सही होना चाहिए। यदि हम सही शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम उसको सही तरीके से लिख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको शब्दों को बोलना सीखना है कि हिंदी में हम शब्दों को कैसे बोल सकते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करनी है। और जब भी हम कोई शब्द लिखें तो सबसे पहले हम उसको पढ़ के देख लें कि उसमें कौन सी मात्रा का उच्चारण हो रहा है, कौन से अक्षरों का उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे जो भी जिस भी मात्रा के शब्द आप लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो था वो ऐ की मात्रा, तो हमने बिना मात्रा से लेकर ऐ की मात्रा तक की मात्राएं कंप्लीट की हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कोई नई मात्रा के साथ। थैंक यू।